चलिए मित्रों, आज बात करते हैं कि गलवान घाटी के अंदर ये पूरा प्रकरण जो हुआ है, हिंदुस्तान चाइना की जो फौजों के बीच में बगैर गोलीबारी के जो जंग हुई है, जिसमें 20 हिंदुस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 46 के करीब चाइनीज सैनिकों को हमने मार गिराया है, इस पूरे खेल के पीछे बड़ी पिक्चर क्या है? व्हाट इज द बिग पिक्चर बिहाइंड ऑल दिस ड्रामा दैट इज टेकिंग प्लेस ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख? क्या ये सीधा साधा बाउंड्री की परसेप्शन का मामला है कि हम ये मानते हैं और वो ये मानते हैं और इसी बात पे ये झड़प हुई, या इसके पीछे और भी कोई बड़ी चीज है? मेरे मानने से इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी ये सबसे बड़ी चीज क्यों है, इसको समझने के लिए हम इतिहास में जाते हैं। और जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी और चाइना की बात हो और जवाहरलाल नेहरू की बात ना हो तो कुछ मजा सा नहीं आता। तो चलिए आइए जवाहरलाल नेहरू पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1950 के दशक में एक बहुत बड़े दुनिया के नेता के तौर पर उभर रहे थे। वो एक नॉन अलाइंड गांधीवादी विचारधारा को लेकर एक दुनिया में शांति का परचम लहराने के प्रयास में थे। बहुत नेक उनके विचार थे और उसी हिसाब से वो चल रहे थे। उनकी प्रतिष्ठा भी उसी हिसाब से दुनिया में बनी हुई थी। काफी पढ़े लिखे आदमी थे, फॉरेन पॉलिसी और उस सारे मैटर्स को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि विदेश में पढ़े हुए थे और बहुत ही रईस परिवार से थे। अंग्रेजों के, अमरीकनों के चहेते थे, रशियंस उनको काफी पसंद करते थे और दुनिया के काफी बड़े बड़े नेता जो थे उसमें नेहरू जी का शुमार होता था। दूसरी तरफ चाइना था। चाइना नया नया कम्युनिस्ट हुआ था और जब हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जगह प्रदान करी जा रही थी कि आइए हिंदुस्तान, आइए बैठिए, आप ये इस स्थान पर बैठिए, स्थान ग्रहण करिए आप यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का, तो हमने बहुत उदारवादी तरीके से हम पेश आए और नेहरू जी ने बोला कि नहीं, मेरे से ज्यादा बड़ा मुल्क, मेरे से ज्यादा पुरानी सभ्यता और मेरे से ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो एरिया है वो चाइना का है और चाइना की ये असली सीट है। तो हिंदुस्तान ने चाइना को वो सीट जो है थाली में सजाकर दे दी। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये मालूम होगा कि टिबेट के अंदर हमारा एक सैन्य डिटैचमेंट रहता था और बेसिकली टिबेट इंडिया की एक प्रोटेक्टोरेट था। प्रोटेक्टोरेट बोले तो वहां के जो फॉरेन अफेयर्स, उसकी जो कम्युनिकेशंस और उसकी जो मिलिट्री इश्यूज थे वो हिंदुस्तान उसको देखता था। चाइना को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। चाइना को जिंगजियांग को कब्जा करना था और टिबेट को कब्जा करना था। टिबेट के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। टिबेट के आक्रमण करने का हमने कोई विरोध नहीं किया और हमने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना डिटैचमेंट वहां से हटाया। अब आइए 1954 का समय आ गया। 1954 में चाइना ने, अच्छा इस पूरे दौरान चाइना ने जो हिंदुस्तान का और टिबेट का बॉर्डर था उसको माना नहीं, और बीआर अंबेडकर ने बोला था कि जिस प्रकार से हमने टिबेट को थाली में परोसकर चाइना को दे दिया है, हम चाइना को अपने बॉर्डर तक लेके आए हैं और आगे आने वाले समय में हम इस पे समस्या देखेंगे। ये बीआर अंबेडकर का कहना था। बहरहाल पहले तो चाइना ने हमारी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को माना नहीं, बॉर्डर को माना नहीं, लेकिन 1954 के आसपास उन्होंने ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए कि भाई हमारा हिंदुस्तान के साथ में कोई मसला नहीं है, बॉर्डर के ऊपर कोई हमारा ऐसा मसला नहीं। उस समय माओ के कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ होते थे और जो उनके प्रीमियर थे वो थे जाओ एनलाई। फिर 1954 आया, उस समय जाओ एनलाई हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया और उस दौरान कहा जाता है अरुण शौरी जी, जो कि आजकल कांग्रेस के बहुत चहेते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने पार्लियामेंट नोट्स का हवाला देते हुए, और उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स उस किताब में रखे हैं। उस किताब में वो लिखते हैं कि किस प्रकार से जाओ एनलाई को उन्होंने अपने प्राइवेट डिनर पर बुलाया नेहरू जी ने, और नेहरू जी ने उनको एक दो घंटे तक लगातार दुनिया में जियो पॉलिटिक्स पे क्या हो रहा है, आगे की दुनिया किस तरीके से चलेगी और क्या परिस्थितियां हर एक इलाके में उत्पन्न हो रही हैं, इस सब पे उन्होंने चाइनीज प्रीमियर को ज्ञान पेला। उन्होंने बहुत ज्ञान दिया और कहते हैं कि जाओ एनलाई चुपचाप से नेहरू को सुनते रहे।
नेहरू ने कहीं ना कहीं आश्वासन भी लेने की कोशिश करी चाइनीज प्रेसिडेंट से कि भाई क्या आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बॉर्डर मानेंगे, तो झाओ लाई ने उसको मुस्कुरा के टाल दिया और कोई आश्वासन नहीं दिया। इसके बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नेहरू जो हैं बीजिंग गए, उस समय पीकिंग था उसका नाम, और वहां पे जाकर उनको जो स्वागत मिला वो अभूतपूर्व था। 6 मील तक की दूरी उन्होंने ओपन कार में ट्रेवल करी और दोनों तरफ हजारों की तादाद में चीनी मौजूद थे, हिंदुस्तान के और चाइना के परचम लहराए जा रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे और बहुत ही विहंगम दृश्य जो था वो पेश हुआ। और नेहरू जी के बात पर वो दिल पर वो बात उतर गई, उन्होंने कभी इतना जिंदगी में इतना स्वागत नहीं देखा। ये सब कार्रवाई होती रही और धीरे धीरे जो हिंदुस्तान और चीन के बीच में जो सीमा का विवाद था ये भी उभरता रहा। 1959 के अंदर टिबेट की अपराइजिंग हो गई, दलाई लामा हिंदुस्तान भाग के आ गए और इंडिया ने फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू कर दी। और उसी दौरान हमको ये पता लगा कि जब झाओ लाई को हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू ज्ञान पेल रहे थे, उस समय अक्षय चिन्ह के अंदर चाइना रोड बना रहा था। और जब ये चीज उजागर हुई तो आपको पता है नेहरू जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई ऐसा खास इलाका नहीं है, बेकार इलाका है, नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोस देयर। बेसिकली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यार ले लो, वहां पे कोई फायदा नहीं, ना खेती होती है, इतना दुर्गम इलाका है, ना रास्ते जाते हैं, ठीक है यार तुम्हारी रोड निकल गई निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके का कैजुअल उन्होंने बयान दिया। तो ये एक बैकग्राउंड जो है देना बहुत जरूरी है। फिर 62 का जंग हुआ, 62 के जंग में हिंदुस्तान हार गया और चीन जीत गया। जी नहीं, चीन नहीं जीता, हिंदुस्तान हारा। हिंदुस्तान इसलिए हारा क्योंकि हमने सबसे पहले तो जनरल थोराट की और जनरलों की बात नहीं सुनी। उन्होंने पूरे नेफा, उस समय नेफा बोला करते थे अपने अरुणाचल प्रदेश को, तो उसकी डिफेंस कैसे इख्तियार करी जाए, जनरलों ने प्लान बना के दिया तो नेहरू जी ने उसको दरकिनार कर दिया और कृष्णा मेनन को लेके आ गए और जो भी डिफेंस सेक्रेटरी थे उस समय उसकी बात मान के और फॉरवर्ड पॉलिसी का गेम शुरू कर दिया जो कि नॉन टेक्टिकल था, नॉन वायबल था। और जाहिर सी बात है चाइना को पता लग गया कि मूर्खों के हाथ में उस्तरा है और यही मौका है कि इनको गाल पे तमाचे मार दिए जाएं। और उसने बहुत कसकस के तमाचे मारे और हमारी बहुत बुरी तरह वहां पे 62 में शिकस्त हुई। तो बेसिकली हम हारे और चाइना नहीं जीता। अगर हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करते जो कि हमारी खाली बैठी रही तो शायद वो हालत ना होती जो दुर्गति हमारी हुई। उससे क्या हुआ, 1962 में जो सबसे बड़ी जो इफेक्ट हुआ वो हमारी मनोस्थिति पर पड़ा। हम इतना डर गए, चाइना के नाम पे हम कांपने लग गए। हमें कई दशक लगे उससे उभरने के लिए। और जब ये मोदी की सरकार आई तब से पहले तक देपसांग में, जहां ये गलवान का ये पूरा गेम चल रहा है उसी इलाके में देपसांग का इलाका है, वहां पर चीनी सैनिक आ गए और काफी बड़ी तादाद में काफी अंदर आ गए, कहते हैं 10-15 किलोमीटर अंदर आ गए। उन्होंने बड़ा शिविर लगा दिया और जब हमारे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी से पूछा गया कि भाई चाइनीज अंदर आ गए हैं तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये परसेप्शन की लड़ाई है, वो ये कहते हैं कि हमारी लाइन वहां है, हम कहते हैं कि हमारी लाइन वहां है और इसी के बीच में वो आ गए हैं। और समस्या समझ लीजिए कि इतनी बड़ी है कि जितनी बड़ी कि एक खूबसूरत कन्या के गाल के ऊपर एक मुहासा हो जाए, बस मुहासे भर की एक समस्या है। और उसके बाद वो चाइना गए और फिर जब भी उसका मन करा चाइना फिर वो वापस चला गया। लेकिन सारा खेल बदली हो जाता है जब ये मोदी नाम का शख्स हिंदुस्तान में आ जाता है। मोदी जब साबरमती में झूला झूल रहे थे तो चूमर के इलाके में 2014 में घुसपैठ हो गई, तो चाइना ने सोचा कि ये तो हर बार करते रहते हैं, इनके लिए तो ये मुहासे भर की जैसी इशू है। उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि जमाना थोड़ा सा बदली होना शुरू हो गया है। तो फिर क्या हुआ, हिंदुस्तान ने दबा के सेनाएं लगा दी और टेक्टिकल हालत में लड़ाई की तैयारी में हमने सेना लगा दी और चाइना को संदेश दे दिया कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बहरहाल चाइना वापस चला गया। और फिर अगला वाक्य हुआ डोकलाम का।
डोकलाम का जब वाक्य हुआ तो उसने बोला कि हम हिंदुस्तान को थोड़ी, हम तो भूटान की सीमा पे जाके करेंगे, भूटान क्या बोलता है, और हिंदुस्तान अपनी सीमा की रक्षा नहीं करता, भूटान की सीमा की रक्षा क्या करेगा। तो भूटान जब वो उस रिज लाइन के ऊपर अपना कब्जा जमाने के लिए वो आए तो हिंदुस्तान की फौज ने देखा कि अरे ये तो पूरा गड़बड़ा जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो सिलीगुड़ी और चिकन नेक है जो, ये थ्रेटन हो जाएगा। तो हिंदुस्तान की सेना अपना बॉर्डर छोड़ के सीधा भूटान की बॉर्डर पर लग गई और चाइनीज को रोक दी। चाइनीज को उससे बहुत भारी एम्बैरेसमेंट हुआ, पूरे साउथ एशिया में उसकी किरकिरी हो गई। जहां पे वो वर्चस्व अपना स्थापित करना चाह रहा था एक रीजनल सुपर पावर के तौर पर, और सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, ऐसे मुल्क की इतनी किरकिरी, इतनी बेइज्जती, वो उससे सही नहीं गई। उसके बाद से उसने ये एक बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी, और इसी दौरान मोदी का कद बढ़ता चला गया। देखिए, मैं नेहरू की मैंने बात करी, नेहरू का उस समय कद बढ़ता चला गया, दुनिया में सारे बड़े नेता नेहरू 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 कर रहे थे, उसी प्रकार से मोदी का भी अब कद बढ़ना शुरू हो गया और दुनिया भर के नेता जो है मोदी मोदी करने लगे। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में मोदी की नजदीकियां बढ़ी, इसराइल के साथ में मोदी की नजदीकियां बढ़ी, रशिया के साथ में इतनी ज्यादा नजदीकी भी नहीं बढ़ी और इतनी तलखी भी नहीं हुई, दरमियाना सा रहा, लेकिन यूरोपियन मुल्कों के साथ में, फ्रांस के साथ में, जर्मनी के साथ में, यूके के साथ में अब, और उधर ईस्ट में चले जाइए तो वियतनाम के साथ में, कोरिया के साथ में, जापान के साथ में और ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हो गए, मित्रता हो गई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बन गई। दूसरी तरफ हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था 235 बिलियन यूएस डॉलर्स का था जब नरेंद्र मोदी सत्ता पे आए, और आज की तारीख में वो तकरीबन 500 बिलियन डॉलर को टच कर रहा है, दुगना हो गया, कहीं ना कहीं रास नहीं आ रहा, और दूसरी बार ये फिर जीत के आ गया। अब तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो जब से वो जीत के आया है तब से आपने देखा है कि किस प्रकार से देश में प्रकरण चल रहा है, कभी सीएए के ऊपर प्रोटेस्ट है, कभी किसी नाम के ऊपर प्रोटेस्ट है, कभी मुसलमान असुरक्षित हो जाता है, कभी मोदी नाजी बन जाता है, और इस प्रकार का ड्रामा जो है हिंदुस्तान में चले जा रहा है। राइटिंग हो रही है, गलियों में पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस दौड़ रही है और पूरा नौटंकी फैली हुई है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि कोरोना आ गया। जी हाँ, शुक्र है कि कोरोना आ गया, कम से कम वो शाहीन बाग और सीएए के जो फर्जी जो प्रोटेस्ट चल रहे थे वो तो बंद हुए, और दिल्ली का जो राइट हुआ वो इसीलिए तो हुआ कि ट्रंप आ रहा था और वो पसंद नहीं आ रहा था कुछ ऐसी ताकतों को। तो भाई, उसको तो हिंदुस्तान को तो छोटा दिखाना था ना कि देखिए अपना घर नहीं संभाल पा रहा, तो वो नौटंकी हुई। और अब ये उजागर हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलियन की प्रेस में एक लेख छपा है जिसके अंदर ये बता रहा है कि एक चाइना ने एक संस्थान बनाई है और उस संस्थान का यही काम है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया और इंडिया हो गया, इनकी संस्थानों में घुसा जाए और इसको अंदर से दीमक की तरह चाट जाया जाए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो जो जो इनकी मजबूतियां हैं इन्हीं का इस्तेमाल करके और इनको कमजोरी में तब्दील कर दिया जाए। पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है, उन्होंने दबा के पैसा फेंका। और हिंदुस्तान के अंदर एक पाकिस्तान फैक्टर है, पाकिस्तान सरहद के पश्चिमी साइड में है और उनसे सहानुभूति रखने वाले काफी तादाद में, लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में लोग मौजूद हैं और उसका फायदा उठाना तो लाजमी हुआ। तो ये सारा खेल चल रहा है और इसका मुद्दा सिर्फ एक है कि मोदी को साइज में छोटा किया जाए। अब मैं आपको एक और फिर से नेहरू के पास लेके जाता हूं। जब 62 की लड़ाई हो गई खत्म तो निक्सन जो है 60s में चाइना गए, तो निक्सन यूएस प्रेसिडेंट जब चाइना गए तो उन्होंने चाइनीज से पूछा, भाई आपने हिंदुस्तान के ऊपर क्यों हमला किया, हिंदुस्तान से तो कोई थ्रेट ही नहीं थी, ऐसे ही कमजोर सा मुल्क है, बेचारे जूझ रहे हैं, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, वहां अकाल पड़ जाता है, भूखे मर जाते हैं लोग, उनको मारने की क्या जरूरत थी, उनसे लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी। तो आपको पता है वहां के जो प्रीमियर थे उन्होंने क्या जवाब दिया, नेहरू वॉज टू बी कट डाउन इन साइज, यानी कि नेहरू के बहुत पंख निकल गए थे, नेहरू को अपनी जगह पर बिठाना बहुत जरूरी था।
तो बिल्कुल उसी तरीके से आज की तारीख में चाइना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोदी के बहुत पर निकल गए हैं और मोदी को अपनी जगह पर बिठाना बहुत आवश्यक है। मोदी के खिलाफ में हिंदुस्तान में भी बहुत लोग लगे हुए, बीजेपी के खुद के नेता जो कि बीजेपी के टिकट पर जीते हुए नेता हैं, वो भी काफी नाखुश है मोदी से। पैसा नहीं कमाने को मिल रहा है, बहुत बुरा हाल है। ये चौकीदार ने बैठकर सबकी टूटियां बंद कर दी हैं, मुश्किल हो गया है, तो ये समस्या है। तो उसको अंदर से गालियां ये भी दे रहे हैं, ये भी बहुत चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये इसका पतन हो और देश के अंदर फ्री फॉर ऑल हो जाए, हम भी इस जीवन में गंगा में डुबकी लगा लें। तो ये सिचुएशन है और मोदी को कमजोर करने की पूरी कवायद है। अब गलवान में क्या हुआ है? गलवान में चाइना आके घुस के बैठ गया है। मैं इसमें सेना की गलती मानता हूं, सेना का काम था आपको उस इलाके की रखवाली करना। भाई आपकी रखवाली करते समय वो कैसे आ गया अंदर? अब आ गया तो ऐसे जाने वाला नहीं है कि वो ऐसे जाके चले जाएगा, वो आपको इतना उकसाएगा कि आपको मजबूर करेगा कि आ और मुझे मार, और जब आप उसको मारेंगे वो विक्टिम खेलेगा, वो बोलेगा कि आपने मेरे इलाके में एग्रेशन किया है और अब मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। यही तो कार्रवाई गलवान में हो रही है। अभी गलवान में घुसपैठिए चाइनीज हैं और दोष किसको दे रहे हैं? हिंदुस्तानियों को, कि हिंदुस्तानियों ने एग्रेशन किया और हमने अपने बचाव में कार्रवाई करी जिसमें 20 सैनिक मारे गए। मोदी को इतना घेर लिया जाएगा कि मोदी को मजबूर कर दिया जाएगा कि मोदी गलवान इलाके में ईस्टर्न लद्दाख में कुछ मिलिट्री एक्शन करे, और मिलिट्री एक्शन करते ही चाइना को एक मौका मिल जाएगा हमारे को जवाब देने का। और अगर ये पैंतरा गलत पड़ गया और मोदी हार गए तो समझ लीजिए कि मोदी खत्म हो गए। ये जो लोग हैं जो नेशनलिज्म की इतनी भावना हिंदुस्तान में इस समय प्रबल है, अगर उनका जो आइकॉन है मोदी अगर वो हार जाएगा तो उनका विश्वास उठ जाएगा, मोदी आउट हो जाएगा, चाइना खुश हो जाएगा, पाकिस्तान खुश हो जाएगा, और हिंदुस्तान के अंदर जो चाइनीज पैसों पे जो संस्थाएं चल रही हैं, जो एनजीओस चल रहे हैं, जो मुहिमें चल रही हैं और जो इनकलाब लाने की जो कोशिश करी जा रही है चाइना के पैसे से, वो ऐसे वाले लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और तो और देखिए नेपाल जैसा मुल्क वो भी आपको आंखें दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि पीठ के पीछे चाइना खड़ा है, कहता है चल तू चल आगे चल मैं पीछे खड़ा हूं, ये वाली कहानी है। लेकिन ये तो बड़ी मैंने नेगेटिव से पिक्चर पेश कर दी, इतना भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और विस्तार करिए, अपना दृश्य और बढ़ाइए, तो आप देखेंगे किस प्रकार से पूर्व में ईस्ट में अमेरिकन जो फोर्सेस हैं 3 कैरियर ग्रुप्स को रिलीज किया है। 3 कैरियर ग्रुप्स का मतलब है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के घेरे के अंदर सपोर्ट देने के लिए डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, एंटी सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर स्ट्रेटेजिक सबमरीन्स, सॉरी न्यूक्लियर वेपनाइज स्ट्रेटेजिक सबमरीन्स, और जो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके ऊपर एयर डिप्लॉयबल न्यूक्लियर वेपन्स, क्रूज मिसाइल्स और दुनिया भर का जखीरा है। ऐसे 3 कैरियर ग्रुप जो है अमेरिका ने रिलीज किए हैं और वो चाइना के कोस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चाइना का थ्रेटन होना लाजमी है, और वो इसलिए नहीं बढ़ रहे कि उनका मन कर रहा है कोरोना से बोर हो गए आओ चलो पैसिफिक में घूम के आते, ऐसा नहीं है। मोदी और ट्रंप की मित्रता, चाइना और हिंदुस्तान की बॉर्डर पर तनातनी, और हिंदुस्तान के पीछे इस समय पूरी वेस्टर्न पावर्स खड़ी है, सबके स्टेक्स बहुत हाई हैं। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमरीका, यूरोप, ये कतई नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान चाइना की जंग में हार जाए। पूरा साउथ ईस्ट एशिया, जिसकी बहुत बड़ी उम्मीदें हिंदुस्तान पे बंधी हुई हैं, जिनको रोज आए दिन चाइना आंख दिखाता रहता है और हिंदुस्तान अपनी नेवी भेजकर उनके प्रोटेक्शन में वहां खड़ी रहती है, उन सबकी उम्मीद हिंदुस्तान में बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा मुआहिदा अभी रिसेंटली हुआ गलवान के चलते, वो ऐसे नहीं हुआ। जापान काफी परेशान है, कोरिया काफी परेशान है चीन से, तो ये सब हमारे साथ खड़े हैं। तो बेसिकली देखा जाए हिंदुस्तान के साथ अभी पूरी दुनिया खड़ी हुई है, चाइना और चाइना के किराए के जो मुल्क हैं उनको छोड़कर, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, वो तो छोड़ ही दीजिए, उससे तो हमारी कोई सीमा नहीं मिलती,
पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत खुशी है। अगर आप ट्विटर पे जाइए, पाकिस्तान में बहुत खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि हिंदुस्तान का चाइना के साथ जंग होने वाली है। और हिंदुस्तान में कई ऐसे सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं, तो वो भी बहुत खुश है। आप ट्विटर पे जाइए, जरूर देखिए। तो मेरे को ये इतना ही कहना था, आप इस पर विचार कीजिएगा जो मैंने कहा, और आपको मेरी बात अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लोगों से शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।